नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंद्र प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग की टीम नवादा और भागलपुर में चुनाव तैयारियों को लेकर आज करेगी समीक्षा बैठक। एनडीए के घटक दल भाजपा, जदयू और लोजपा अपने अपने उम्मीदवारों की सूची आज जारी करेंगे। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान में तेजी से हो रही है वृद्धि। पटना का पारा 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया और बिहार के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए बीएड परीक्षा सीईटी का परिणाम घोषित। 65,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा में पाई सफलता। समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग की टीम लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज भागलपुर आ रही है। इस टीम का नेतृत्व आयोग के उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार करेंगे। आयोग की टीम भागलपुर में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा करेगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि समीक्षा बैठक के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। उप निर्वाचन आयुक्त आज नवादा में भी चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के तहत अब तक 3,21,00,000 राशि की वसूली की गई। यह राशि वाहन चेकिंग के दौरान वसूली गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विधि व्यवस्था को लेकर अब तक 615 अवैध अस्त्र शस्त्र और 2,919 कारतूस बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए अब तक 15 नामांकन भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन 25 मार्च तक जबकि दूसरे चरण के लिए 26 मार्च तक भरे जा सकते हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है। एनडीए के घटक दल भाजपा, जदयू और लोजपा अपने अपने उम्मीदवारों की सूची आज जारी करेंगे। पटना में आयोजित संयुक्त बैठक के दौरान एनडीए के घटक दल के सभी नेता उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा की 40 सीटों के लिए भाजपा और जदयू 17-17 जबकि लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार चुनाव अभियान कमिटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। महागठबंधन में समाजवादी पार्टी की भागीदारी नहीं मिलने से नाराज सपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री यादव ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया है। बिहार के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए बीएड परीक्षा सीईटी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में 35,882 छात्र और 29,563 छात्राएं सफल हुए हैं। पुरुष वर्ग में औरंगाबाद के साकेत और बेगूसराय के आदर्श ने 92 अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि छात्रा वर्ग में पटना की चांदनी 90 अंक लेकर पहले स्थान पर हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड कोर्स संचालित करने वाले अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी पास अभ्यर्थी ही दाखिला ले पाएंगे। इस संबंध में राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज पछुआ हवा चलने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में वृद्धि की संभावना है। पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है जबकि भागलपुर का अधिकतम तापमान 35.9 और गया का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने अंशदाताओं के बारे में जारी ताजा आंकड़ों में कहा है कि इस वर्ष जनवरी में औपचारिक क्षेत्र में शुद्ध रोजगार सृजन 8,96,000 हुआ जो 17 महीनों में सबसे अधिक है। इसके अलावा ईपीएफओ में पिछले वर्ष जनवरी के 3,87,000 अंशदाताओं की तुलना में इस वर्ष जनवरी में अंशदाताओं की संख्या 131% अधिक थी। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में लाहौर में इन्हें फांसी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इन महान शहीदों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। बिहार दिवस के अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिहार दिवस को यादगार बनाने के लिए विभिन्न जिला मुख्यालयों में निबंध, पेंटिंग और वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बिहार के महान सपूतों के योगदान की लोगों को जानकारी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली में इस अवसर पर हस्तकला और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
ललित कला अकादमी ने 60वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के 15 विजेताओं की घोषणा की है। विजेताओं में बिहार की तबस्सुम खान भी शामिल हैं। अकादमी की ओर से पुरस्कार विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि, एक शॉल और एक फलक प्रदान किया जाएगा। होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि बरौनी से नई दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के लिए आज और कल विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के धनपुरा और परिहालपुर के बीच अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। सहरसा में दंत चिकित्सक के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के सभी निजी चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि 19 मार्च को अपराधियों ने चिकित्सक की हत्या कर दी थी। स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात 50,000 रुपये का इनामी अपराधी खुर्शीद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी आरा का रहने वाला है। सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में 30 मार्च से 2 दिवसीय बिहार राज्य मिनी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में भाग लेने की अंतिम तिथि 27 मार्च निर्धारित की गई है। बिहार हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। इधर जयपुर में 24 से 28 मार्च तक आयोजित होने वाले 52वीं राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, राजद 20 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी। रालोसपा को 5, हम और वीआईपी को 3-3 सीटें मिली। शरद को 2 सीटें राजद सिंबल पर, माले को राजद से 1 सीट। प्रभात खबर लिखता है, महागठबंधन में सीटों का ऐलान, निखिल का पत्ता साफ, औरंगाबाद की सीट हम को। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, महागठबंधन में बटी सीटें, राजग भी आज घोषित करेगा प्रत्याशी। पिछले कई दिनों से नियंत्रण रेखा पर की जा रही भारी गोलीबारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है, भारतीय कार्रवाई में पाक के 2 अफसरों समेत 12 ढेर। राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। आज अखबार लिखता है, वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर गौतम गंभीर ने थामा भाजपा का दामन। और अब अंत में मुख्य समाचार। चुनाव आयोग की टीम नवादा और भागलपुर में चुनाव तैयारियों को लेकर आज करेगी समीक्षा बैठक। एनडीए के घटक दल भाजपा, जदयू और लोजपा अपने अपने उम्मीदवारों की सूची आज जारी करेंगे। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान में तेजी से हो रही है वृद्धि। पटना का पारा 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया और बिहार के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए बीएड परीक्षा सीईटी का परिणाम घोषित। 65,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा में पाई सफलता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।